किसान भाइयों नमस्कार। गौरव कुमार टोंडक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों सामने आपको दिख रहा होगा एक एक्सट्रैक आइसर का 241 एक सिलेंडर ट्रैक्टर और खेत की जुताई वो हैरो से कर रहा। हैरो से खेत की जुताई हो रही और 14 तवों की हैरो है, 14 तवों की हैरो है और आप ये देख लो कि ट्रैक्टर इस हैरो को कितनी बढ़िया लेके चल रहा। 14 तवों की हैरो से खेत की जुताई हो रही भाई। हैरो की जुताई अब हमें रही नहीं, अब कोई इससे जुताई करता नहीं, लेकिन हैरो की जुताई का अपना एक गुण है। हैरो की जुताई का सबसे बड़ा गुण क्या है कि एक तो वो मिट्टी को पलट के चलता है, मतलब जैसे हम MB प्लाउ या डिस्क प्लाउ से जो है मिट्टी पलटते हैं, तो ये एक तरह का आप है वो उसको डिस्क प्लाउ मान लो, वो थोड़ा और गहरे से जुताई कर दे, नीचे से मिट्टी गहरी पलट दे, ये थोड़ा कम गहरी पलटे। बाकी आपके ट्रैक्टर में दम चाहिए उसको, ये लगभग 6-7 इंच तक जो है मिट्टी आराम से पलट देता है। और आप कमाल की बात ये देखो कि इसे जो है ट्रैक्टर चला रहा है आइसर 241, गजब का ट्रैक्टर है, कमाल का। और इन भाई ने जो है अपने इस खेत की जुताई जो है फिलहाल कर दी पूरी। मैं गन्ने डाल के आ रहा था तो मुझे आवाज़ सुनी ट्रैक्टर की, मैंने सोची मैं चलो एक आपके लिए बढ़िया सी वीडियो बनाऊँ। और हैरो का अपना गुण है, हैरो से जुताई करनी चाहिए, ये मिट्टी को पलटती है, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर। आप जैसे ये देखो इसने जो है ये मिट्टी, ये झुंडा जो है यहाँ से काट के यहाँ पलट दिया, मिट्टी को पलट दिया मतलब एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि हैरो की जुताई अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया। तो चलाते नहीं सर, बंद कर दिया था हमने। क्या भाइयों मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हैरो है ये हंस इंजीनियरिंग इस पे लगा हुआ है, जो इसकी ये लगी हुई है चिट, हंस इंजीनियरिंग मेरठ वालों की हैरो है और 14 तवों की हैरो है। और हैरो भी बढ़िया नहीं है, ये 2005 के आसपास में आई थी हैरो और 14 तवों की हैरो, ये उस टाइम पे मेरे ध्यान है 28-29 हज़ार रुपये की आई थी। और ये खेत की जुताई बहुत ही बढ़िया कर रही। इसके तवे आप कहोगे कि जब इतनी पुरानी है तो तवे आज भी नए हैं, नए इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ 2-4 साल चली, उसके बाद रोटरी का ज़माना आ गया, फिर चलने लगी रोटावेटर, तो ये तब से खड़ी है, थोड़ी बहुत चलती है। लेकिन अब क्या है, लोग बाग समझने लग गए, रोटावेटर की जगह हैरो को चलाने लग गए। तो मैं आपको एक बार किसान भाई से जो है बात करवाऊँगा, उनका परिचय एक बार लेंगे। हाँ जी, एक बार आप अपना छोटा सा परिचय दो, नाम बताओ। हाँ जी, यूनुस है जी। गांव डहार? गांव डहार। तो आप ये बताओ, आपके पास तो ट्रैक्टर महिंद्रा 585 है? हाँ जी। और रोटावेटर भी है? हाँ जी। तो आप इसे हैरो क्यों क्यों चला रहे, क्या कारण है? फसल खराब होने लगी उनसे, इसलिए चलानी पड़ गई हैरो, कि उससे कीड़ा बाहर नहीं जाता, इससे कीड़ा चुभता है और फिर इसकी जुताई गहरी भी होती है, काट भी होती है। मतलब इसकी जुताई रोटर से गहरी जा, गहरी जा। और जी तो एक बात और भी तो देखो, रोटरी तो एक बार के मकर देगी, इसे 4-5 बार फिराना पड़ेगा। ये वो मजा तो नहीं आ रहा फसल में। तो मतलब आपको ये लग रहा कि मतलब जो हमारी फसल में, जैसे जो गन्ना है, गन्ने में जो कीड़े का असर आ रहा है, आज फसल हमारी कमजोर होती जा रही। रूटर में की मेहरबानी जी। नहीं, रूटर तो मिट्टी को और बढ़िया बना दे उसमें। नहीं जी, वो गहराई में बढ़िया तो बना दे, पर मजा नहीं है, अब हैरो का मजा है। रूटर को तो है बुआई के समय पे एक बार भादो, बारीक मिट्टी हो जाएगी बस। अब आप इसमें क्या भान करके छोड़ दोगे? हाँ, भान करके छोड़ दीजिए। अच्छा, अब इसमें हैरो फिरा के ये हैरो से खुला रहेगा? हाँ। अच्छा, फिर और इसमें अब कुछ नहीं चला करेंगे, टिलर चलाओगे? अच्छा, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि हैरो भी खेत में चलनी चाहिए। चलनी चाहिए, जरूरी, जरूरी है हैरो तो। जैसे पहले चले थी हैरो खेतों में जो है। अच्छा, ये जो देखो ये बुगले लग रहे खेतों में, ये बढ़िया चीज है। ये जो है खेत में से जो है जो खराब कीड़ा है गिनार विंडार उसे ये चुक दे। चुक दे सर। हाँ, रूटर तो जो है वही काट काट के वही दबा दे, या मिट्टी को पलट भी दे। जैसे आजकल वो चल रहा चलन जो है मिट्टी को पलटना, वे MB प्लाउ डिस्क प्लाउ तो गहरी गहरी पलट रहे, ये थोड़ी सी कम गहरी पलटे पर एक तरह से पलट तो दे रही है मिट्टी को, नीचे की ऊपर ऊपर की नीचे, इससे हवा भी लगे जमीन में। चलो तो अच्छे से घुमाओ चलाओ जो है, अभी आपको जो है दिखाएंगे। और अच्छा एक बात और बताओ, जैसे यह 14 तवों की हैरो है और यो आपका ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है? नहीं, मॉडल कौन सा? 14। तो यो इसे तो बढ़िया चला रहा है, इस पर दबाव तो मान नहीं रहा हो ना? क्या मतलब इसका, ये
तो अच्छा है, ये एस्कॉर्ट का मुकाबला करे जी। ये कैक पावर में जी 41 आपका यो देख लो जी, इसमें पावर तो खूब बढ़िया है, 24-25 हॉर्स पावर दिखे। एक सिलेंडर ट्रैक्टर है, 241 एक्स ट्रैक 2014 मॉडल। तो आपके पास जब वो ट्रैक्टर है महिंद्रा का 585, तो आपने इसकी जरूरत क्यों महसूस समझी है इस ट्रैक्टर की? महसूस यो करी जी, समझ वो ज्यादा तेल ठाता है यो कम ठावे, वो तो ऐसा रूटर वेटर या लाल मशीन पे चला लो तो ठीक है। तो मतलब यो आपने यो गन्ने डालने के लिए ले रखा, गन्ने या अपनी छोटी मोटे ऐसे जुताई कर लो, गन्ने की जुताई भी इससे कर लेते होगे? खूब बढ़िया, यो तोड़ता बिना, इसमें 12 के टायर हैं। तो किसान भाई ने ये ट्रैक्टर जो है ले रखा गन्ने की जुताई के लिए, और छोटे मोटे से गन्ने की बुग्गी डाली है, और दूसरा अपना थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिया वैसा कर लिया। ये किराए का काम भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये यूनुस भाई जो है हमारे गाँव में ये ठेके पर जमीन बो रहे हैं, लगभग 100-125 बीघे, और इनकी अपनी तो कोई जमीन है नहीं, लेकिन ये ठेके पर जमीन बो रहे और मेहनत कर रहे और बढ़िया फसल ले रहे, और ये हैरो चला रहे। इनका कहने का मतलब ये है कि हैरो खेत में चलनी अब जरूरी है, क्योंकि रोटावेटर नुकसान देता है, वो मजा मिट्टी तो बरीक कर दे लेकिन वो स्वाद नहीं आता उसमें जो आना चाहिए। हैरो का अपना अलग ही गुण है, इसका खेत में नीचे हवा लगे और पानी पीने की क्षमता भी बढ़े। तो अभी आप कुछ को जो है भैया चलावेंगे, तो चलाओ जी। सच्चा भाई देखो, हैरो से जो है जुताई कितनी बढ़िया हो रही है, और ट्रैक्टर जो है रोड तो बंद है, अपन काम अपना बढ़िया करें, रोड पर आ गए हैरो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, बहुत बढ़िया। और इसमें आप ये हैरो का कमाल देखो, इसने मिट्टी को ये किस तरह से पलटती जा रही, आप ये देखो ये मिट्टी को किस तरह से पलट रहा, हैरो का काम यही है। इसीलिए हैरो जो है, पहले देखो जमाने में बैलों की हैरो चला कर रही थी, हमारे टाइम में थी नहीं, लेकिन हमारे टाइम में तो यही हैरो आई, और उसके बाद ये टीलर वगैरह देसी हल वगैरह जो पहले चला कर रहे थे उनके अपने अलग गुण थे। आप देखो लेकिन हैरो देखो अपना भाई, हल्का वालों की हैरो गजब लग रही है, और बिल्कुल गुद्दा बनाती हुई जा रही जो है खेत का जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और काट का जो है इसने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। ये डिस्क प्लाउ का बढ़िया काम कर रही है, इससे खेत पूरा छोटा जाएगा, हैरो चला गया उसमें हवा लगेगी, धूप लगेगी, नीचे तक जमीन जो है खुलेगी। रोटावेटर में क्या है, उसने मिट्टी बरीक करी लेकिन वो बिल्कुल एकदम लेवल कर दे, और वो बिल्कुल उसमें नीचे हवा नहीं लगती, कम हवा लगे। उसके बाद टीलर चलाना चाहिए, लेकिन हैरो का अपना अलग ही मजा है खेत में चलाने का। तो जिन किसान भाइयों के पास हैरो है वो भी हैरो जो है बढ़िया अपने खेतों में चलावे, धान रखे खुले छोटे, जिससे जो है खेतों में धूप बाढ़ लगेगी बढ़िया। अभी फरवरी के लास्ट में जो है मार्च के पहले हफ्ते में गन्ने की बुआई शुरू होगी, तब तक इन खेतों में जो है बढ़िया बुआई बुआई चलती रहेगी। तो 15 दिन में टीलर हैरो जो भी इसमें चलाना वो चलता रहेगा, और कमाल जो है जब खेत में धूप लगेगी हवा लगेगी जमीन को खाद लगेगी तो उसकी उर्वर क्षमता बढ़ेगी, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो कीड़े मकोड़े जो है ये देख लो पक्षी इसके पीछे पीछे भाग रहे बुगले, वो सारे ये उठा लेंगे, और जो भी हमारे शत्रु कीट हैं वो सब जो है इनका भोजन बन जाएंगे। तो हैरो का अपना ये अलग ही मजा है, क्योंकि जो मिट्टी पलटी जा रही ना उसका अलग ही स्वाद मिलेगा। इसने नीचे से पीली मिट्टी भी काट दी, इतनी गहरी लग रही, और आप ये देख लो हंसी हैरो है, आगे जो है अभी 4 सुराख बचे हुए हैं, अगर ये और हमने लगा दी कर दी तो ये बिल्कुल जमीन में गड़ जाएगी। बहुत बढ़िया, एक मिनट बंद कर दो इसे, नहीं चलाई फिर तो एवरेज का भी नहीं पता क्या तेज खा रहा होगा दिल्ली। वैसे फिर भी अंदाजा तो हो ही जा किसानों के अपने डेढ़, वैसे स्पीड तो तुम इसकी बढ़िया लेकर चलती है, तो राउंड तो अच्छा, इसमें पहिए भी जो है कमी है पिछले, पर फिर भी बढ़िया चला रहा, काम सही कर रहा है। अच्छा चलो, तो मतलब अब इसमें इसका एक दिन पीछे फिर कहीं तो जोतोगे टीलर तय
इसमें जितनी जो खेत खाली हो जाओ ना परला, अच्छा जब गुलामों में जब इसमें रूटर यही काटे फिर एक हैरो पापा एक बार धुर पे रूटर ले। चलो ठीक है, अब वो क्या हरा विनोद लूंगा क्या चला रहा वो टीलर चला रहा चलो मतलब देख लो उधर भी ट्रैक्टर चल रहा, किसान जो है अपने खेतों की मतलब जो है अगली फसल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। अच्छा आपके गन्ने की फसल तो माड़ी रही जी। हाँ है? नुकसान है आपके बहुत। अरे नहीं नुकसान किसी को दिखाई नहीं देता जी। हाँ है? अरे ये गेहूँ होने भारी हो रहे गेहूँ रात को नहीं देखा, रात भी साढ़े धावा मारी के फिर मारे जाने के बाद भी। अब तो मुझे लगे 8:30 बजे लो यहीं रहो। हाँ, बता। चलो खैर ये तो अलग चीज़ होगी। तो भाइयों आपने देखा जो है ट्रैक्टर कितना बढ़िया इसने अपना काम कर रहा है और कम खर्चे का ट्रैक्टर है। जिनके पास आईसर ट्रैक्टर है वे भी अपना किसान काम कर रहे हैं, जिनके पास बड़े ट्रैक्टर है वे भी काम कर रहे। ट्रैक्टर को जो ड्राइवर हो है वो चलावे, छोटा हो या बड़ा हो उसके हाथ में उसे कैसे चलाना। लेकिन मेन पर्पज जो है हमारा दिखाने का वो ये हैरो दिखाने का है जी। ये हैरो खेत में बहुत कम दिखाई दें चलती हुई, लेकिन इनका अपना ही अलग बहुत बढ़िया गुण है जो खेतों में चलनी चाहिए। और खेतों की गहरी जुताई बढ़िया जुताई इन्हीं से होती है। रोटावेटर तो सिर्फ मिट्टी बारीक करता है, उससे मिट्टी हमारी जो है भुरभुरी हो जा, बाकी वो ज़मीन को जो है बंजर बनाने का काम कर रहा। ज़रूरत उसकी भी है पर इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये खेतों के अंदर ज़्यादा चलनी चाहिए। अच्छा यूनुस भाई एक बात बताओ, कीमत क्या होगी हैरो की अब? या तो उस टाइम पे 26-27 हज़ार की आई थी, इतना तो मुझे पता। करीबन 50-40-50 के बीच में, 50,000 महंगी है। चलो खैर 50,000 से कम नहीं, 50 से कम नहीं होगी। हाँ मेरे दिमाग में हैरो खरीदने की होगी। अच्छा जी चलो खैर। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी, किसान भाइयों जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।